हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि MCD PRT का जो रिजल्ट आया है उसको लेके काफ़ी विवाद हो रहे हैं। और अभी एक खबर आ रही है कि MCD PRT का जो रिजल्ट आया है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके खिलाफ कैंडिडेट्स CM हाउस के बाहर 15 फरवरी से धरना देने वाले हैं, अनिश्चितकाल धरना देने वाले हैं। तो साथियों, इसके साथ एक वीडियो मैं साथ में जोड़ रहा हूं, वो आप देख सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करें। और इसके साथ मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, जो भी डिटेल है आप वहां देख सकते हैं। तो साथियों, मैं भूप सिंह। साथियों, आपको मुझे तीन खबर देनी है। एक खबर पहले ये है कि परसों फाइनल हो जाएगा कि कैट कोर्ट में स्टे पर बहस होगी। अगर स्टे नहीं मिला हमें तो हम हाई कोर्ट जाएंगे 4 या 5 दिन के अंदर, और अगर स्टे मिलता है तो भी हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे रिकंडक्ट के लिए। दूसरी बात साथियों, हम लोगों ने पहले इंटीमेशन दे रहे हैं कि हम 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना करेंगे CM हाउस के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से। तो साथियों, आप सभी को 9 बजे CM हाउस के वहां बाहर पहुंचना है और आशा करता हूं आप लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे। अच्छा, और चौथी बात साथियों ये है कि निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एविडेंस वाक्य में बहुत दम है, उसमें ये जो अनफेयर हुआ है उसको बिल्कुल चैलेंज किया जाएगा। तो किसी को भी आशा तोड़ने की जरूरत नहीं है कि ईडोजर भरा जा रहा है, कोई बात नहीं, भरने दो, जिसको जो भरना है भरने दो। वो सब के सब स्टॉप हो जाएगा, वो तभी होगा जब आप लोग स्ट्रेंथ में आएंगे। आशा करता हूं आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। और आपको मैं 4 नाम बता रहा हूं जो इसमें लीड करेंगे, हरीश जो सोनीपत से हैं, भूप सिंह और केशव और आशीष कंचप। तो साथियों, आप ये चारों लोग आपको लीड करेंगे और साथ में जो प्रोटेस्ट होगा बिल्कुल शांति से होगा, घबराने की किसी को भी कोई भी जरूरत नहीं है। हो सकता है आप लोगों को रात को भी वहीं रुकना पड़ जाए, हो सकता है आप लोगों को वहां पर 4 दिन भी रुकना पड़ जाए। तो साथियों, हमें कोई नारेबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल शांति से आना है। हम लोगों की सिर्फ यही मांग होगी कि इस सारे मामले की बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जांच करवाई जाए और इस पेपर को दोबारा एक शिफ्ट में लिया जाए। और जो हमने कार्रवाई के लिए OSD को जो लेटर और जो एविडेंस दिए थे उसके बेस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की वो हमें बताया जाए। धन्यवाद।